परंपरा को निभाया है और इसी तरीके से ये विधिवत जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हमने इसको बहुत अधिक स्केल पर नहीं किया क्योंकि कोविड-19 के जो नियम थे वो लागू थे और कृपया उसी दूरी के साथ आप बैठे रहे। हमने जो कुर्सी वगैरह थी हमने उसी हिसाब से लगवाई थी दूरी के साथ, तो कृपया आप नज़दीक जाने की कोशिश न करें। धूप छाप को आज भूल जाइए क्योंकि धूप छाप उन महान वीरों के लिए आप आज बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके आपकी चेहरे की हंसी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया आज देश के लिए। शौर्य दीवार का हम उद्घाटन कर रहे हैं जिसको बड़ी लगन के साथ महर्षि रविंद्र पुरी जी और डॉक्टर एस के बत्रा जी के निर्देशन में लगातार बनाया गया। देखिए कितनी शानदार है, आपका जो जज्बा है इन महान वीरों को देख करके जागेगा जिन्होंने परमवीर चक्र तो पाया ही, वो परमवीर चक्र के लिए नहीं लड़े थे लेकिन देश ने उनके जो शौर्य गाथा है उसको इस लायक समझा और उनको हमने प्रदान किया, सरकार ने प्रदान किया और उन्होंने हमारे चेहरे की हंसी के लिए, हमारे परिवारों के लिए और इस दो की भारतीय योद्धाओं की जो है चित्र है और इसको ग्लास पर बनाया गया है। जितने भी तमाम चित्र हैं इसको ग्लास पर बनाया गया है। बहन श्री बलदेव गिरी जी महाराज एवं बहन श्री राम किशन गिरी जी महाराज, और बड़ी गौरव की बात है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे एक मध्य में श्री हरवीर सिंह जी जो अपर महिला अधिकारी है वो भी आज मौजूद हैं। ये कॉलेज परिवार आपको भी हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है आपका। आप बहुत ही सुस्त लग रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी अधिक समय न लेते हुए अब मैं अपने माननीय उप महिला अधिकारी श्री हरवीर सिंह जी और अपर के लिए आज हमने उद्घाटन के लिए माननीय हमारे मध्य में साहब को बुलाया हुआ है श्री अनिल शर्मा जी और श्री प्रदीप शर्मा जी हैं। देश में ये लोग समाज सेवी हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चक्कर में हमारे मध्य में जो अधिकार बंधु जिनको हम सबका भी अभिनंदन और साथ करते हैं जिनको जो है हमारे मध्य में जीवित क्या इस तरह से सैनिकों को सम्मान भी मिल पाया। ऐसा जितने भी शहीद हुए हैं उनके लिए जो सामने जो हमारे कॉलेज के बाहर जो एरिया पड़ा हुआ जगह पड़ी उनके सामने जो है शहीदों का एक घाट बनाएंगे हम उसके लिए। ये हमारी क्या उनके परिवार से बात चल रही है सर? क्या उनके कोई परिवार? नहीं नहीं, परिवार की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं। कोई शामिल हो रहा है कार्यक्रम में सर? नहीं, परिवार नहीं। मेरे ख्याल उत्तराखंड में सर पहला होगा सर ये दीवार? नहीं, इससे पहले भी बनी हुई है हल्द्वानी में। सर दीवार हल्द्वानी में बनी हुई है, हल्द्वानी में डिग्री कॉलेज में बनी हुई है। हम महसूस तभी करेंगे जब यहाँ शहीद घाट बनेगा। बाकी मैं सरकार से बात कर रहा हूँ कि हमारे कॉलेज के ठीक सामने जो जगह बड़ी स्थायी विभागीय जगह है वहाँ पे जो है शहीदों का घाट बनाया जाए। राज हैं जो मनसा देवी ट्रस्ट के परमाध्यक्ष भी हैं और समस्त निरंजनी अखाड़े के जितने महंत में उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके द्वारा ये प्रयास किया गया है। अदम्य साहस के लिए जो सेना का सबसे जो हमारा सर्वोच्च ये सम्मान है ये परमवीर चक्र दिया जाता है। अब तक 21 लोगों को दिया गया है, जो 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 7 लोगों को जीवित रहते हुए दिया गया है। इससे जो है एक जज्बा पैदा होता है। आपने देखा होगा शहरों में जो हमारे हमारे फाइटर जहाज रखे जाते हों या हमारे टैंक जो पैटर्न टैंक हैं जिन्होंने युद्ध में मतलब प्रतिभाग किया उनको रखा जाता है। वो केवल एक सिस्टम है लोगों में जज्बा भरने का। तो क्योंकि हमारी जो सेना है वो जज्बे के लिए जाने जाती है, मैं सेना को सलाम करता हूँ और जो हमारी सेना में लोग भर्ती होते हैं वो जज्बे के साथ ही पैदा होते हैं और जाते हैं और देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ 21 के 21 लोगों। सर कैसा लग रहा है सम्मान ने ये शुरुआत की है वो भी हरिद्वार से? मैंने कहा मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। और अभी आपने सुना ही महन जी को कि वो एक शहीद घाट भी बनाना चाहते हैं और उम्मीद है कि उनकी ये मंशा जरूर पूरी होगी और इसे एक मैसेज जाता है। सर सर देश में बाकी लोगों को कुछ संदेश मिलेगा? क्यों नहीं, एक शौर्य दीवार जो यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं रोज देखा करेंगे उनके सामने, रोज उनके अपनी निगाह से एक वो दीवार गुजरेगी तो अपने आप में एक जो है वो जज्बा पैदा होता है और मैसेज जाता है। ठीक, कॉलेज में शुरुआत की है वो भी संत समाज की ओर से की जा रही है, इसका क्या संदेश जाएगा आने वाले लोगों का? क्या लगता है कि और लोग इसमें कितने जुड़ेंगे? हाँ जी, बहुत प्रसन्नता का विषय है
कि आज कॉलेज में शौर्य दीवार का लोकार्पण किया जा रहा है। बहुप्रतीक्षित ये शौर्य दीवार है और जिसका लोकार्पण किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये अपनी एक तरह की उत्तराखंड में पहली ऐसी दीवार होगी जो इस तरह से बनाई गई है और इसको लोकार्पित किया गया है, जिसके एक और जो है नोटिस बोर्ड है, दूसरी और युवाओं को कैरियर और दिशा मार्गदर्शन के लिए इसमें एक बनाया गया है, तो और बीच में जो है शौर्य दीवार है। दीवार का अर्थ होता है कि किसी भी ऑब्स्टिकल, किसी को भी रोकना। आज आप देख रहे हैं कि चीन जो है हमारे को आंखें दिखा रहा है, लेकिन हमारी सेना जो है एक दीवार की तरह लद्दाख में उनके साथ में खड़ी भी है और बहुत अच्छी तरह से जो है एक संदेश जो है पूरे देश में ये देना चाह रही है कि हम जो है किसी भी स्थिति में अपने देश के ऊपर किसी भी तरह का कोई चीज़ जो है नहीं आने देंगे, किसी तरह का कोई संकट जो है ये नहीं आएगा। ये शौर्य दीवार हमारे को शूरता की बात दर्शाती है कि हम कितने शक्तिमान हैं, हमारा देश कितना प्रतिभाशाली है और हम किस तरह से अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। सर, जैसे आपकी सोच ये कहाँ से आई है और कॉलेज में लगाने से क्या उद्देश्य है आपका? नहीं, शौर्य दीवार पहले भी कॉलेज में बनी हुई थी, लेकिन इसका नव निर्माण किया गया और हमारे जो महंत जी हैं उनका आशीर्वाद लगातार हमारे को मिलता रहा। पूरा निरंजनी अखाड़ा, श्री महंत श्री निरंजनी अखाड़ा जो है उसका पूरा का पूरा जो है आशीर्वाद लगातार हमारे को प्राप्त होता रहा, और उन्होंने कहा कि इसको इस तरह की ऐसी एक दीवार बनाइए जो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में एक संदेश दे कि हम अपने वीरों के प्रति कृतज्ञ हैं, उनको हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।